अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1। तो डेफिनेशंस आप लोगों ने वही प्रीवियस वीडियो वाली रिकॉल कर लेनी है, और अगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो आप लोग पहले वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। करना हमने वही है, आपने 5 को 12 पे डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब चूंकि ये 5 छोटा नंबर है 12 से, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और एक डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा लें। अब हमें पता है 12 फोर 48 होता है, माइनस करने से हमारे पास 2 बच जाते हैं। अब ये 2 जो है वो फिर छोटा नंबर है 12 से, तो हम यहाँ पर एक और 0 लगा लेते हैं, 12 1 12, माइनस करने से हमारे पास 8 बच जाता है, ठीक है जी। अब ये 8 जो है वो 12 से छोटा है, हम एक और 0 लगाते हैं, 12 6 72, फिर 8 बच गया। अब चूँकि ये 8 छोटा नंबर है, एक और 0 लगाएं तो ये बन गया 80 12 6 72, फिर 8 बच जाता है माइनस करने से। अब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हर बार 8 ही बच रहा है, ठीक है, और इधर फिर आंसर में क्या क्या आता जाएगा, 6 6, ऐसे ही। तो लिहाजा हम लिख रहे हैं 5/12 को लिखा जा सकता है, तो लिहाजा 5/12 को लिखा जा सकता है 0.4166... इसका मतलब आप सुन। अब यहाँ पर 6 एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब एक हमें रिपीटिंग डिजिट मिल गया है, तो इसका मतलब ये हुआ 5/12 इज़ अ रिकरिंग डेसिमल। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की बात करें, तो हमें दिया गया है 5/7, जिसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएं, उसके बाद वही 5 को आपने डिवाइड करना है 7 के साथ। अब चूंकि ये 5 जो है वो छोटा नंबर है 7 से, तो यहाँ पर एक 0 लगा के पॉइंट लगा लें और इसके साथ एक 0 लगा लें। हमें पता है 7 7 49 होता है, माइनस करने से हमें मिल जाता है 1। अब 1 छोटा नंबर है 7 से, तो हम एक 0 यहाँ पर लगाते हैं और 7 1 7, माइनस करने से हमें 3 मिलेगा, फिर एक और 0 लगाएंगे क्योंकि 3 जो है वो छोटा नंबर है 7 से, तो 7 4 0 28, माइनस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, एक और 0 लगाएंगे तो ये बन गया 7 2 0 14, माइनस करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, एक 0 लगा लें इसके साथ तो 7 8 0 56, माइनस करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, एक 0 लगाएंगे तो बन जाएगा 40। 7 5 0 35, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, एक और 0 लगाएं तो ये बन गया 50। तो हमें पता है 7 7 0 49, तो फिर एक रिमाइंडर आएगा, एक और 0 लगाएंगे तो 7 1 0 7, फिर 3 कम ये बन जाएगा 30, तो 7 7 4 0 28, यहाँ पर बाकी रह गए 2 माइनस करने से। अब हम 5/7 को यूँ लिख सकते हैं, 0.714, फिर आ गया 2 8 5 7 1 4, यानी यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है वो है 7 1 4 2 8 5, और इसके बाद फिर वही 7 1 4 2 8 5, यानी ये ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 5/7 इज अ रिकरिंग डेसिमल। अब हमने पार्ट नंबर 7 सॉल्व करने के बाद पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 8 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर 8 में हमें दिया गया है 6/10। कोई पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लें, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद हमने 6 को डिवाइड करना है बाय 10,
तो यहाँ पर चूँकि 10 बड़ा है 6 छोटा है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएं, पॉइंट लगा लें, इसके साथ एक ज़ीरो लगाएं, 10 6 60, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6। अब ये एक काउंटेबल नंबर है, एक ही डिजिट है। अब हम डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, तो लिहाजा ये क्या हुआ, 6/10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर हम पार्ट नंबर, हमने कितने पार्ट्स 8 कर लिए हैं, पार्ट नंबर 9 की बात करें, तो पार्ट नंबर 9 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 9, इसमें हमें दिया गया 16/20। हेडिंग लगा लें यहाँ पर, सॉल्यूशन सिंगल अंडरलाइंड। उसके बाद आप लोगों ने 16 को 20 पे डिवाइड करना है, 16/20। अब चूंकि ये छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ज़ीरो और पॉइंट तो हमने लगाना ही लगाना है, 28/160। माइनस करने से हमारे पास कुछ नहीं बचता, इसका मतलब ये हुआ 16/20 कैन बी रिटन एज 0.8। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सो 16/20 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद है जी पार्ट नंबर 10। अब है जी पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में हमें दिया गया 9/10, तो हमने 9 को डिवाइड करना है बाय 10, चूँकि ये 9 छोटा नंबर है 10 से, तो यहाँ पर 0 और एक डेसिमल पॉइंट, इसके साथ एक 0 लगा लें, 10 9 0 90। माइनस करने से कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब हम 9/10 को लिख सकते हैं 0.9 के इक्वल। अब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है 9, तो लिहाजा सो 9/10 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, 9/10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब है जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 11 की बारी, तो यहाँ पर दिया हुआ 1/8, हमने 1 को डिवाइड करना है बाय 8, यहाँ पे 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, एक 0 लगा दें, तो 8 1 0 8, माइनस करने से हमारे पास 2 बच जाते हैं, एक 0 और लगाएं, 8 2 0 16, माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बाकी रह गए, एक 0 लगाएंगे तो 8 5 0 40। इसका मतलब ये हुआ 1/8 को हम लिख सकते हैं 0.125। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सो 1/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 12 की बात की जाए, तो उसमें दिया गया है हमें 1 पार्ट नंबर 12, 14/20, जिसको हमने सॉल्व करना है, तो हेडिंग लगा लें सॉल्यूशन सिंगल अंडरलाइंड। अब हमने 14 को 20 पे डिवाइड करना है, जब 20 पे डिवाइड करते हैं, चूंकि ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पर एक 0 और पॉइंट लगा लें, इसके साथ लगा लें एक 0, तो 27/140। तो इसका मतलब ये है हम 14/20 को लिख सकते हैं 0.7। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं सो 14/20 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 13,
इन पार 13 वी हैव 2/3 सॉल्यूशन. हमने 2 को डिवाइड करना है 3 पर. 2 डिवाइडेड बाय 3, चूँकि 2 छोटा नंबर है 3 से, तो यहाँ पर एक 0 और पॉइंट लगा लें, 0 इधर भी लगा देंगे. 3 6 18 माइनस करने भी हमारे पास 2 बचता है, फिर एक 0 लगाएं. 3 6 18 माइनस करने से फिर 2 बचता है. 3 6 18 माइनस करने से फिर 2 बचेगा, इसका मतलब ये हुआ. और इसके बाद 6 6 ही आते जाएंगे, तो 2/3 कैन बी रिटन एज 0.666 डॉट डॉट डॉट. तो हमें एक ऐसा डिजिट मिल गया है जो इन्फिनेटली रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा 2/3 इज अ रिकरिंग डेसिमल. 2/3 इज अ रिकरिंग डेसिमल. ठीक है जी. अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 14 की बात की जाए, तो इसमें हमें दिया गया है पार्ट नंबर 14. अब इस क्वेश्चन में हमने 4 को डिवाइड करना है 5 पे, तो हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 5. अब चूंकि 4 छोटा नंबर है 5 से, 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, यहाँ पे एक 0 लगा लें. 5 8 40 माइनस करने से हमें कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पे लिखें 4/5 कैन बी रिटन एज 0.8. अब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब ये ख़त्म हो गया. सो 4/5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए, जो कि पार्ट नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 15. पार्ट नंबर 15 में हमें दिया गया है 1/4. अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, तो आप लोग पहले सॉल्यूशन की एक हेडिंग लगा लें, सिंगल अंडरलाइंड. और यहाँ पर हमने 1 को डिवाइड करना है 4 पर, तो 1/4. 1 चूँकि छोटा नंबर है, 0 लगाएं, पॉइंट लगा लें, एक 0 यहाँ पर लगा लें. 4 2 8 माइनस करने से हमें मिल जाता है 2. अब 2 छोटा नंबर है, 0 लगाएं, 4 5 20. तो इसका मतलब ये हुआ, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25. डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हैं, सो 1/4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब अगर बात की जाए पार्ट नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 16. पार्ट नंबर 16 में हमें दिया गया है 7/9. सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लें, एक सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं, हमने 7 को डिवाइड करना है 9 से, तो 7/9, चूँकि छोटा नंबर है, 0 लगाएं, एक पॉइंट लगा लें, एक 0 यहाँ पर लगा लें. ठीक है जी. 9 7 63 माइनस करने से फिर 7, एक 0 लगाएं. 9 7 63 माइनस करने से फिर एक 7, इसका मतलब यहाँ पर 7 7 7 आते जाएंगे. तो 7/9 को हम लिख सकते हैं 0.777 डॉट डॉट. अब चूंकि हमें एक रिपीटिंग डिजिट मिल गया है, सो 7/9 इज अ रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग डेसिमल. अब आ जाएं पार्ट नंबर 17 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 17. इसमें हमें दिया गया है 8/10. हेडिंग लगा लें, सॉल्यूशन, सिंगल अंडरलाइंड. अब हमने 8 को डिवाइड करना है बाय 10. 8/10 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, एक 0 यहाँ पर लगा लें. 10 8 is 80. इट मींस 8/10 को हम लिख सकते हैं
8। अब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं सो 8/10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, 8/10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर बात की जाए पार्ट नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 18, इसमें हमें दिया गया है 3/5। हेडिंग लगा लें सॉल्यूशन। हमने 3 को डिवाइड करना है 5 के साथ, 3/5। 3 चूंकि छोटा नंबर है, 0 लगाएं, पॉइंट लगा लें, 10 यहाँ पर, 5×6=30। तो इसका मतलब 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6। अब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, सो वी कैन से दैट 3/5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।